अस्सलामुअलैकुम। आज से मैं आपके लिए एक नए कुकिंग चैनल का आगाज़ कर रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खट्टी मीठी चिकन, जिसे आप चावल या जैसे भी चाहें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज और लहसुन और सब कुटी मिर्च और ज़ीरा, इसको डालकर थोड़ी सी हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया था। जब वो हल्का सा पक गया तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। उसके अलावा हमें इसमें हमारे पास है आधा किलो चिकन, 2 चम्मच गार्लिक सॉस और 1/2 टीस्पून है पिसी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून है मेरे पास हल्दी और ये है कश्मीरी मिर्च। ये आप 1/2 टीस्पून से भी बहुत कम यूज़ कर सकते हैं। और ये है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच हमें चाहिए टेबलस्पून टमाटर प्यूरी या टमाटर पेस्ट और चिकन बनाने के लिए पानी। तो सबसे पहले आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने उसी कढ़ाई में जिसमें प्याज को किया था उसी में हमने चिकन को ऐड कर दिया। मेरे चैनल का नाम है राजपूत चैनल। पसंद आए मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि टाइम कम था इसीलिए मैंने प्याज को पहले ही गलाकर और ग्राइंड करके रख दिया था। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी स्पाइसीज को ऐड करते हैं। अब इसी के साथ हम इसके अंदर दो टेबल स्पून जो है कम रहेगा हम इसमें डालते हैं, ताकि इसमें अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर भी आए इसका। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर अपनी प्याज लहसुन और इसका पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम चिकन को गलने के लिए रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी ये पोजीशन है। अब हम इसको थोड़ा सा इस स्टेज पे और ड्राई करेंगे। मैं इसे अपने घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चे तो भाई बहुत शौक से खाते हैं। अब आप लोग बना के देखें और फिर मुझे बताएं कैसी बनी है और आपके घर में क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि मेरे जड़े बच्चे ने ना वो बड़े शौक में खाते हैं, इसलिए मैं सोचिया मैं थोड़े ना रेसिपी शेयर करा। अगर तुम्हें मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मैं शेयर ज़रूर करिएगा।
कुल एडे विच असी दही पावांगे, थोड़ा लाइक दो या तीन टेबलस्पून, और इसका पानी भी हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। ग्रेवी का ये है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से ड्राई या थोड़ी सी खुश्क या फिर ग्रेवी ज़्यादा जो पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम, क्योंकि ये खट्टी मीठी चिकन है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, देखें आप बिल्कुल आधे से भी ये कम है ग्रेवी जो मैं इसमें डाल स्क्वीज़ कर रही हूँ। और जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर गार्लिक सॉल्ट ऐड करेंगे और नमक। नमक का ये है कि इसको आप बिल्कुल आखिर के अंदर डालें, सब सब्जियों में, सालन में, थोड़ा सा हम इसको ढक लें ताकि ऑयल दही के बाद ज़रा ऑयल ऊपर आ जाए बिल्कुल भूनकर जी। तो अब ये बिल्कुल देखें बिल्कुल भुन चुकी है चिकन। अब हम इसके अंदर आपके लिए भेजें गार्लिक सॉल्ट ऐड कर दें, क्योंकि ये खट्टी मीठी चिकन है तो लीमू, गार्लिक सॉल्ट और दही इससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आप हम इसमें तो काफ़ी थी, क्योंकि खट्टी मीठी है तो इसमें हम गरम मसाला तो ऐड कर लिए। इसमें हमने काली मिर्च बीच में थोड़ी सी डाली है और थोड़ी सी खुशबू के लिए बस हम ऊपर से डालेंगे। क्योंकि ये बना के देखो शाम में बहुत पसंद आए। रेडी है, एलो सी डिशेज कर देंगे हैं। अच्छी तरह भून चुकी है, इसकी आंच हम कम कर देते हैं। मेरी पहली रेसिपी है तो प्लीज़ पसंद आए तो मैं कमेंट करो अच्छे अच्छे और शेयर करो, ताकि मैं थोड़े लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आऊँ। मेरे चैनल का नाम है राजपूत चैनल आमना फहद शेर। तो चलो हम अपनी डिश विश निकाल लें। ग्रेवी जड़ी है वो तुम अपनी मर्जी ना बनाओ। मैं हरा धनिया, हरी मिर्च, जिद नाल मैं इजाज़त दो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।